आज तो रचना काफी थक चुकी थी। अभी अभी मौसी सास अपने परिवार के साथ रवाना हुई थी और अब नंद मानसी और उसका पति रमन रवाना होने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए थे। लेकिन रवाना तो वो तब होना जब घर वाले उन्हें रवाना होने दे। अंदर काफी देर बात करने के बावजूद भी दरवाजे पर जब तक आधा घंटा बात ना कर लें तब तक भला हम भारतीयों की मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। यही हाल यहाँ पर भी था। सब लोग खाना खा चुके थे पर रचना का खाना बाकी था। उसे बहुत जोरों से भूख भी लग रही थी। वो बस फटाफट रसोई में जाना चाहती थी अपने लिए खाना की थाल लगाने के लिए, पर कोई उसे जाने नहीं दे रहा था। अरे रुको तो सही भाभी, चलो जाना अंदर, इतना जल्दी भी क्या है। हम कहाँ रोज रोज आते हैं, मानसी ने रचना को रोकते हुए कहा। बहू तुम अंदर क्या करोगे, मेहमानों को तो पहले रवाना करना चाहिए, नहीं तो मेहमान बुरा मान जाते हैं। सासू माँ जमुना जी भी हंसते हुए बोली। अब सासू माँ को क्या इतना समझ नहीं था कि एक तो उसे भूख लग रही थी और सबने खा लिया पर उसे तो किसी ने नहीं पूछा। ऊपर से घर का जो काम है वो उसके अकेले ही करना था, अभी कोई मदद करवाने तो आएगा नहीं। इतने में ससुर जी भी बाहर निकलते हुए बोले, अरे भाई जाने दो इन्हें, रात के 10 बज चुके हैं, टाइम से घर पहुंचना भी अच्छा है, आखिर समधन जी अकेली हैं, वो इनका इंतजार कर रही होंगी। आखिर ससुर जी के कहने पर कुछ तो असर हुआ कि उन लोगों ने अब उन्हें जाने दिया। सबसे पहले घर में रचना ही प्रवेश किया, फटाफट रसोई में गई और अपने लिए थाली लगाने लगी। थाली में दाल चावल आलू गोभी की सूखी सब्जी, रोटी रखने के बाद मटर पनीर की सब्जी का बर्तन खोल कर देखा तो उसमें पनीर दाल था, या यूं कहें कि सब्जी ही खत्म हो चुकी थी। आखिर एक कटोरी में बर्तन में लगी हुई ग्रेवी को साफ कर उसमें डाली और मीठे में गुलाब जामुन लेने के लिए जैसे भगोना खोला, उसमें तो सिर्फ गुलाब जामुन का एक आधा टुकड़ा पड़ा हुआ था, मतलब उसके लिए तो गुलाब जामुन बचे ही नहीं थे। देखकर उसका मन खट्टा हो गया, इतना सारे गुलाब जामुन बनाए तो थे घर पर और उसके लिए 2 पीस रखना भी मुनासिब नहीं समझा। आखिर उसने वही आधा पीस थाली में रख कर और बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। जब वो खाना खा रही थी तो अंदर जाते हुए ससुर जी का ध्यान उसकी थाली की तरफ गया। थाली में मिठाई न देखकर उन्होंने पूछा, बहू तुम मीठा लेकर नहीं आए, तुम्हें तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना। जी पापा जी, गुलाब जामुन तो मुझे पसंद है पर वो बचे ही नहीं। अरे पर गुलाब जामुन के लिए मैंने मेवा तो ढंग से ही लाया था, फिर कम कैसे पड़ गया। ससुर जी हैरान होते हुए बोले, अब क्या करे, हर किसी के हाथ में बरकत तो नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे अन्नपूर्णा का दर्जा दिया जाता है, वो थोड़े में ही बरकत कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भरे हुए में से भी खाली कर देते। तुम्हारी बहू के हाथ में बरकत तो नहीं है, इनकी बनाई हर चीज में कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है, अब देखो खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा। सासू माँ के पीछे से ताना मारा और अपने कमरे में जाने को मुड़ गए। रचना के हाथ खाना खाते खाते रुक गए। आखिर भला ये भी क्या बात हुई, पापा जी मावा तो लाए थे, इसमें से थोड़ा मावा तो मम्मी जी ने फ्रिज में ये कहकर रखवा दिया कि कल रबड़ी बनेगा, बाकी बचा हुआ मावा रचना को दे दिया जिससे गुलाब जामुन बने थे, पर मम्मी जी ने
सेकी बघारते हुए गुलाब जामुन पैक करके अपने बहन और बेटी के ससुराल जो भेज दिया। अरे एक दो पीस रख लेते तो क्या बिगड़ जाता। पर तभी प्रचना ने कहा, पर मम्मी जी गुलाब जामुन तो आपने दीदी और मौसी को पैक करके दे दिया। ये सुनते ही ससुर जी ने जमुना जी की तरफ हैरानी से देखा। अपने पति को अपनी तरफ हैरानी से देखते हुए देखकर जमुना जी बोली, अरे एक दो पीस तो ही पैक किए थे और वो भी सिर्फ मानसी को, मेरी बहन के लिए तो बचे ही नहीं। भला इतने थे भी जो बच जाए। अरे तो वही एक दो पीस बहू के लिए रख लेती, जरूरी था क्या पैक करके देना। पापा जी ने कहा, अब दे दिया मैंने तो मुझे क्या पता था कि इसने अपने लिए रखे ही नहीं, और वैसे भी घर पर उसकी सास अकेले थी इसलिए भेज दिया। पर ये कहकर ये बात को टाल नहीं सकती कि इसके हाथ में बरकत नहीं है। आज पहली बार ही थोड़ो ना कम पड़ा है। इसके हाथ से बना हुआ खाना तो अक्सर ही कम पड़ता है। अपनी बात को सही बताते हुए सासू माँ कमरे में चली गई। आखिर थोड़ी देर और रुकती तो ससुर जी की डांट जो पड़ जाती। ये तो अक्सर होता था। जमुना जी की ये आदत थी कि अक्सर मिठाई और सब्जियाँ के लिए कोई भी सामान घर में आता तो उसमें में से थोड़े सामान वो निकाल कर किसी दूसरे चीज को बनाने के लिए रख लेती और बचे हुए सामान से वो मिठाई या सब्जी बनवाती। अब जाहिर सी बात है, जब कम मात्रा में पहले ही कम कर दिया गया तो वो सामान भी कम ही बनेगा, और बाद में जब वो सामान कम पड़े तो ये कहना नहीं भूलती कि बहू के हाथ में बरकत नहीं है। खैर दूसरे दिन वो मावा रबड़ी बनाने के लिए निकाला गया। रचना ने जमुना जी से कहा, मम्मी जी थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई घर पर आ गया तो कम से कम सबके लिए रबड़ी रह तो रह जाएगी। अरे नहीं नहीं बहू, बेवजह सामान खराब नहीं करते, और कोई नहीं आने वाला है अभी। तुम तो जितना तुम्हें दूध दिया है उसी में से रबड़ी बना लो। आखिर जमुना जी की बात मानकर रचना ने मावे को दूध में उठाकर उसकी रबड़ी बनाई। जब खाने के साथ उसकी रबड़ी परोसी तब ससुर जी ने कहा, अरे वाह आज तो रबड़ी बहुत ही अच्छी बनाई है, क्या मावा डाला है इसमें? और नहीं तो क्या, मावा डाल कर ही तो रबड़ी बनाई है। जमुना जी ने कहा, पर मावा लाया कौन? मेरे अलावा तो कोई घर से बाहर नहीं जाता। ये सब लेने ससुर जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिमाग तो सब काम होते हैं। कल गुलाब जामुन के लिए जो मावे लाए थे उसमें में से मैंने निकाल कर रख दिया था। सारा मावा ही वो खराब करने के लिए थोड़ो ना था। आखिर घर में बरकत यूं ही नहीं होती। वाह रे तुम्हारा दिमाग, बहू के लिए एक पीस गुलाब जामुन तक नहीं बचा और तुमने मावा संभाल कर रख रबड़ी के लिए, इसके बरकत नहीं बेवकूफी कहते हैं। जानकी जी तुनकते हुए बोली, रहने दो आपको क्या पता, तभी मामा ससुर का भी घर पर आना हो गया। अब जाहिर सी बात है, खाने के समय पर आए थे तो उनकी भी थाली परोसने के लिए जमुना जी ने कहा, बहू मामा जी के लिए भी खाना परोस दो, और एक काम कर सब्जी और रबड़ी के बर्तन यही ले आया, मैं परोस दूंगी, तुम तो गरम गरम रोटियां सेक कर ले आना। आखिर रचना ने भी ऐसा ही किया। जमुना जी भी सबको खाना परोसते हुए उसके हाथ खाना खाने बैठ गई। आखिरकार वही हुआ जो होता था, बर्तन में रबड़ी खत्म हो गए, रचना के लिए तो बचे ही नहीं। जब रचना खाना खाने बैठी तो उसने जब रबड़ी के बर्तन को खोलकर देखा तो उसमें रबड़ी बचा ही नहीं था। उसने सासू माँ की तरफ देखा और कहा, इसलिए मैंने कहा था मम्मी जी कि थोड़ा दूध ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर कोई आ गया तो कम से कम सबके लिए रबड़ी तो रह जाएगी। यह सुनकर जमुना जी ने कहा,
अब बहू मैं भी क्या कर सकती हूँ, तेरे हाथ में बरकत ही नहीं है। तू जो भी चीज बनाती है उसमें हमेशा कमी ही रहती है और वो तेरे लिए नहीं बचता। सुनकर रचना भी को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। उठकर रसोई में गई और एक कटोरी लेकर बाहर आई। जमुना जी ने देखा तो उस कटोरी में रबड़ी रखी हुई थी। ये क्या बहू, तूने मुझे बताया बगैर अपने लिए पहले से रबड़ी निकाल कर रख ली, ये तो गलत बात है। भला घर की बहू को ये सब शोभा देता है? मम्मी जी, उस घर की बहू को ये सब शोभा देता है जहाँ बहू के लिए कुछ भी नहीं रखा जाता और अंत में यही कहा जाता है कि बहू के हाथ में बरकत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया कि आइंदा कोई भी चीज़ बनेगी तो या तो मैं अपने लिए पहले से निकाल कर रख लूँगी या फिर मैं पहले ही खा लूँगी। और वैसे कल आपने भी कहा था ना कि इसके लिए अपने लिए निकाल कर रख लेना। रचना ने कहा, तो तू अपनी मनमानी करेगी, इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है? तुमने ही तो मजबूर किया है उसे यह सब करने के लिए। या तो तुम सुधर जाओ या फिर वो जो कर रही है वो सही है। जब खाना उसे बनाना है, काम उसे करना है, तो रसोई की जिम्मेदारी भी उसे ही दे दो। क्यों बेवजह सामान में आधा सामान निकाल कर रख लेती हो और फिर बरकत की उम्मीद भी बहू से ही करती हो? आखिर ससुर जी ने कहा तो जमुना जी इसके आगे कुछ न कह पाई। कुछ दिन रचना ने ऐसे ही किया तो अपने आप में ही जमुना जी को समझ में आ गया कि अब रसोई की जिम्मेदारी बहू को दे देनी चाहिए।